बिना मेरे हो मत कोई ना मुझसे अब बिना मेरे हो मत कोई ना मुझसे अब जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जामुन तिरवन जारी जय कुंज बिहारी जय जय जामुन तिरवन जारी राधा कुंज बिहारी जय जामुन तिरवन जारी राधा
श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम हरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के श्री मुकुंद को कृपा किया है और मुकुंद को घर में भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण किया, इसलिए जिसमें सिख्या दिया क्या सिख्या दिया बोलो क्या सिख्या दिया और बोलेगा महाप्रभु मुकुंद घर उन्होंने प्रसाद सेवा किया, प्रसाद सेवा करके जगत को उन्होंने क्या सिख्या दिया है बोला क्या सिख्या दिया लिखे हो श्यामानंद बोला कौन सी कहते देखो जैसे मैं जो बोलता हूँ ना जैसे सवेरे सवेरे जैसे गीता को आप लोग सुनते हो फिर दूसरे दिन बोलते हो फिर तुम पूरा प्रैक्टिस करके आते हैं, इसलिए चैतन्य भागवत भी अगर बोलोगे फिर अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनोगे फिर ध्यान देकर सुनोगे आज चैतन्य भागवत पूरा तुम्हारी याद हो जाए। ये लीला चैतन्य भागवत ऐसे भी ग्रंथ है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु हमारी इष्ट है, हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय है, संप्रदाय का नाम क्या है गौड़ीय संप्रदाय, हमारी संप्रदाय का नाम गौड़ीय संप्रदाय क्यों नाम पड़ा किस लिए बोला गौड़ीय संप्रदाय हमारे संप्रदाय ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय क्यों उसका नाम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय क्यों है बहुत कारण बोलो क्या महाप्रभु क्या हुआ गौड़ेश्वर उत्पन्न महाप्रभु अनुगत मैंने गौड़िया इसलिए इसमें दो तीन कारण है हमारे संप्रदाय का नाम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय इसका प्रभुपाद दो तीन कारण बताए। पहला नंबर है करे श्री महाप्रभु जो जन्म हुए हैं गौड़ देश में जन्म हुए हैं श्री नवद्वीप धाम में महाप्रभु जन्म लिए इसलिए पहले जो नवद्वीप धाम का जो राजधानी था उसका नाम था गौड़ देश राजधानी का नाम था गौड़ देश कहते हैं इसलिए महाप्रभु गौड़ देश में जन्म हुए हम कहते ना उड़िया और गौड़िया उड़िया और गौड़िया उड़िया भक्त और गौड़ीय भक्त है महाप्रभु क्या भक्त है हम सवेरे सवेरे भजन कहते हैं ना महाप्रभु भक्त जत गौड़ देश स्थिति सवार चरण बंद करिया प्रणति इसलिए एक एक ये गौड़ीय है और चैतन्य महाप्रभु का नाम है गौरांग महाप्रभु महाप्रभु का नाम श्री गौरांग महाप्रभु इसलिए भी हम लोग महाप्रभु धारा के अनुयायी हैं इसलिए भी ये गौड़ीय है इसलिए भी ये गौड़ीय है और गौड़ीय का तात्पर्य क्या है कहते श्री हमारे संप्रदाय का जो आचार्य है श्री मध्वाचार्य कौन है श्री मध्वाचार्य
पिछले मध्वाचार्य का बचपन का नाम था गौड़पूर्ण। क्या नाम था? गौड़पूर्ण उनका नाम था, इसलिए भी हम लोग गौड़िया कहलाते। और हम लोग विशेष करके हम लोग जो धारा है श्री राधा रानी की अनुगत में भजन करने वाले, भगवान महाप्रभु जो कलयुग में आए हैं, किस लिए आए? वो जो दुर्लभ प्रेम, जो अनर्पित चरित्रात प्रेम को देने के लिए हैं। इसलिए ये प्रेम को देने के लिए महाप्रभु आए। ये तो अनर्पित चरित्रात क्या है? राधा रानी की दासत्व, राधा रानी के अनुगत्य में सेवा करना। इसलिए राधा रानी का नाम, एक नाम गौरी। क्या नाम है? गौरी। इसलिए जो गौड़ शब्द है, गौरी है, इसे चुके हम किसकी आराधना करने वाले? श्री राधा रानी गौरी की आराधना करने वाले हैं। र और जो ड है संस्कृत भाषा में वो एक ही है, र को ड, ड को र कहते हैं। इसलिए हम लोग श्री राधा रानी, श्री राधा जी की अनुगत्य में, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, राधिकार दास जति हय अभिमान, शीघ्र मिले तबे कुमलगा। कृष्णा किसको जल्दी से जल्दी मिलेंगे? उसको जल्दी से जल्दी मिलेंगे अगर किसकी मन में ये अभिमान हो, हम कौन है? श्री राधा रानी की दासत्व है, हैं? इसलिए राधा पद छाड़ी जजन सजन, जजन जतन पचे, हमें तो राधिका पक्ष पात सदा कबू नाही हरी ताके। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं, जो व्यक्ति राधा जी की चरण को छोड़ करके भले ही जिसको तिसको भजन करे, लेकिन हम तो श्री राधा रानी को ही पक्ष लेने वाले हैं। इसलिए राधा रानी की, इसलिए हम लोग चूंकि राधा जी की आराधना करने वाले, इसलिए हम लोग संप्रदाय का नाम क्या है? कहते श्री गौड़ीय संप्रदाय। इसलिए बहुत सारे कारण से हम लोग गौड़ीय संप्रदाय है। इसलिए कहते हमारे हमारे इष्ट देव कौन है? श्री महाप्रभु। हम लोग श्री महाप्रभु की अनुगत्य में, हम लोग श्री महाप्रभु के अनुगत्य में हम लोग आराधना करने वाले राधा कृष्ण को, इसलिए हम लोग गौड़ीय संप्रदाय है। इसलिए हमारे जो संप्रदाय का मूल ठाकुर कौन है? श्री गौरहरी, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमारी आराध्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का संबंध में हमें अच्छे तरह से जानकारी रहनी चाहिए। अभी बहुत सारे भगवान है ना, हाँ, अभी दुनिया में जैसे खेत में बीज बोते हैं ना, ऐसे ही भगवान निकलते हैं। कितने कितने भगवान है, राम रहीम भगवान है, हैं? आसाराम बा भगवान, अरे उड़ीसा में पार्थ सारथी, पर पार्थ सकते भगवान, और पर अच्युतानंद बाबा कोई थे, इसलिए लेकिन सब जेल में बैठे हैं, सबके सब जेल में बैठे ये भगवान है। इसलिए हमारे आराध्य कौन है? महाप्रभु। इसलिए अगर कोई अगर हमको बोलेगा, अरे ये लोग जैसे भगवान भगवान अपने आप को बोलते हैं, ऐसे जगत में बहुत सारे भगवान, तुम लोग भी एक नया भगवान सृष्टि कर दिया है, तुम लोग भी एक नया भगवान, पता नहीं मैं महाप्रभु कहाँ से जन्म लिया नवद्वीप में, और तुम लोग भी उसको भगवान बना दिया है, तुम लोग उसको ऐसे कोई बोलेगा है? इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोगों को अच्छे तरह से हम लोगों को जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे आराध्य देव श्री भगवान। इसलिए कहीं बाहर जाओगे ना प्रचार करने के लिए, बड़े तर्क वितर्क होता है। अभी मठ में है ना, इसलिए आप लोगों को कोई पता नहीं चलता है मठ में है, लेकिन जब कहीं बाहर प्रचार करने के लिए जाओ, बड़े तर्क वितर्क डाले है। लेकिन ऐसे तुम बोलते हो महाप्रभु भगवान, प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या? साई बाबा भगवान किसका नौकर दे देता है, किसको नौकर दे देता है, किसका हाथ लगा देने पर बीमारी सही हो जाता है, किसको लात मार देता है। इसलिए ये भगवान है, तुम्हारे महाप्रभु कैसे भगवान हो गए? इसलिए हमें महाप्रभु के बारे में अच्छे तरह से हमें जाननी चाहिए, तभी बाहर जा करके शास्त्र का प्रमाण दे करके प्रस्थापन कर सकते हो महाप्रभु कैसे भगवान, ठीक है? इसलिए जो कथा सुनना उसको थोड़ी थोड़ी याद रखना और कोशिश करना दूसरे दिन बोलने के लिए। पर जो सुनोगे ना, जैसे अभी महाराज गीता पढ़ा रहे, अभी तुम लोग एकदम चंगा होकर सुनते हो, कान को खड़े करके
एक एक शब्द को नोट करते हो, एक क्यों कारण क्या, दूसरे दिन बाहर जो पूछेंगे फिर नंबर भी आएगा, है बोलने का नंबर भी आएगा बोलने के लिए, जब नंबर आएगा बोलना पड़ेगा, इसलिए गीता को पूरा तुम लोग पूरा घोट करके पी रहे हो, गीता ज्ञान को पूरा के पूरा पी रहे हो। इसलिए महाप्रभु का कथा को भी अच्छे तरह से, महाप्रभु की कथा को भी पान करनी चाहिए और थोड़ी बहुत याद रखनी चाहिए, जैसे दूसरे दिन हम कुछ कथा सुना सके, ठीक है। इसलिए हम लोग कल सब कथाओं को श्रवण कर रहे थे और कैसे श्रीमन महाप्रभु भी कैसे उन्होंने से शुक्ला पर ब्रह्मचारी को परम कैसे कृपा की, उसको घर में नित्य कीर्तन किया और उनको हाथ का बनाया हुआ प्रसाद भी महाप्रभु स्वयं कैसे सेवन किया है, हैं? और उन्होंने कैसे महाप्रभु भक्तों के भाव का अनुरूप कैसे उन्होंने बराह बामन और रघु तरह तरह का उन्होंने रूप उन्होंने दिखाया, और इतने में रूप दिखाते दिखाते इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोले मद लाओ है, मद मतलब शराब लाओ है। इतने में श्री नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, गंगा पानी लेकर के आए, और श्रीमद महाप्रभु ने कादम्बिनी को उन्होंने पान किया है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान भी तो शराब पीते थे, भगवान भी शराब पीते थे, इसलिए कुछ कुछ लोग कहते हैं, हाँ कहते वो जो शराब अभी का जैसे शराब नहीं है, अभी का जैसे शराब वहां पर जैसे स्वर्ग में, कहते वो भी शराब पीते हैं, कहते वहां पर शराब नहीं, कहते सोम रस है, एक सोम रस है, अभी का जैसे शराब पी करके पागल होकर के जैसे वो सब चीज नहीं है, है? और भक्त लोग भी शराब पीते हैं, भगवत कथा को भी आसव बताया, उसको भी नशा बताया, लेकिन साधारण जो नशा है रात को पियो और सवेरे नशा उतर जाती है, लेकिन जो भगवान की जो भक्ति जो भी जो नशा है ना, उस नशा कभी उतरती नहीं, वो नशा क्या होती है, नशा बढ़ती रहती है। जैसे रात को भक्त लोग सोते हैं, नशा करके सोते हैं कि नहीं, हाँ भगवान की प्रेम की नशा में सोते हैं, लेकिन सवेरे उठते ही फिर नशा उतरती है ना, बढ़ जाती है, क्यों, सवेरे उठते ही फिर क्या याद आता है, मंगल आरती में जाना, नशा हो गया, मंगल आरती में जाना ठाकुर जी को, जल जल्दी नहाओ तिलक करो, चलो ठाकुर जी की मंगल आरती में जाएंगे, मंगल आरती करेंगी, तुलसी परिक्रमा करेंगे, कीर्तन करेंगे, है ये भक्ति की नशा। इसलिए जो भक्ति जो नशा है, ये नशा कभी घटती नहीं, ये नशा हर समय ये बढ़ती रहती है। इसलिए उन्होंने घड़ा में उन्होंने गंगा पानी को भर करके लाए और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने गंगा पानी को उन्होंने पान किया है। एक दिन गोपी भावे जगत ईश्वर वृंदावन गोपी गोपी बोले निरंतर। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु और एक दिन भी हम सुन रहे थे महाप्रभु कैसे गोपी 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 कैसे बोल रहे थे, सुन रहे थे ना, है क्या गोपी गोपी क्यों बोल रहे थे, किस लिए महाप्रभु गोपी गोपी क्यों बोल रहे थे, बोलो कौन बोलेगा, उन्होंने महाप्रभु गोपी गोपी क्यों बोल रहे थे, कारण क्या है, गोपी किस लिए बोल रहे थे, बोलो किसको याद है, सब बोल रहे, इसलिए कहते। और एक दिन श्रीमन महाप्रभु भी है, कहते एक दिन प्रभु गोपी भावे जगत ईश्वर वृंदावन गोपी गोपी बोले निरंतर। जब महाप्रभु ये गोपी गोपी बोल रहे थे, इतने में एक पढ़ुआ ने है, जो एक स्टूडेंट पढ़ुआ ने आ करके उन्होंने देखा ये क्या गोपी 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 गोपी, ये क्या गोपी गोपी क्यों बोल रहे है, अभी भिन्न भाव प्रभु अज्ञ नहीं बुझे, लेकिन श्रीमन महाप्रभु का जो भाव है ये चीज को तो सब समझ नहीं सकते हैं, महाप्रभु के भाव को तो सभी समझ नहीं सकते हैं, साधारण समझ नहीं सकते, इसलिए प्रभु बोले दसु कृष्ण कौन जन बुझे भजे। इसलिए महाप्रभु का बोल रहे थे कृष्ण दसु है लंपट है, उसको कौन व्यक्ति उसको भजन करता है। जब ये गोपी गोपी बोल रहे थे, इतने में एक पढ़ुआ था, एक पढ़ुआ ने जा करके बोले पंडित जी ये गोपी 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 क्यों बोल रहे हो, ये गोपी गोपी बोलने से क्या होता है, अरे बोलना तो कृष्ण 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 बोलो ना, क्योंकि कृष्ण नाम लेने पर क्या होता है, मधुरम मधुरम मृतद मंगलम मंगला नाम,
सकल निगम वली सत्फल चित स्वरूपम संकृत विपरीत श्रद्धा हलवा भृगुवर नर मात्र तारेते कृष्णा। इसलिए कृष्ण नाम लेने से कृष्ण नाम कैसे हैं, बोले मधुर से भी मधुर कृष्ण का नाम और मंगल से भी मंगल कृष्ण का नाम। इसलिए कृष्ण नाम लेने से क्या होगा, अगर एक बार भी किसने कृष्ण नाम लिया तो बोले भृगुवर नर मात्र तारेते कृष्ण नाम। ये कृष्ण नाम नर मात्र को ही उधार कर लेता है। इसलिए गोपी 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 बोलने से क्या होगा, गोपी गोपी बोलने से उधार होगा क्या? इसलिए पंडित जी क्यों गोपी गोपी बोल रहे हो, बस इतना बोलते ही महाप्रभु तो लठिया लेकर के बोले धूर्त कपट का नाम ले रहे हो हैं? जो स्त्री जी जो स्त्रियों का जो नाक कान काट दिया और जिसने बाली को जिसने वध किया, ऐसे व्यक्ति का तुम नाम ले रहे हो। उसने डंडा उठाए और डंडा उठा करके महाप्रभु तो वो जो पढ़ुआ था स्टूडेंट उसको तो मारने के लिए दौड़े, और इतने में वो तो महाप्रभु का भाव समझा नहीं, उसने तो भागा वहां से, वहां से भागा जा करके उसने क्या किया, जितने और जो पढ़ुआ थे ना सबको साथ में इकट्ठे कर लिया। इकट्ठे करके बोले जानते हो जी क्या हुआ, बोले क्या हुआ, बोले जो सची का जो बेटा है ना जो निमाई पंडित, जो एक साथ में हम पढ़ रहे थे स्कूल में कॉलेज स्कूल में एक साथ में पढ़े, अभी गोसाई हो गया हैं, अभी वो गोसाई हो गया, पंडित हो गया, गोसाई हो गया, और वो क्या गोपी 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 बोल रहा था। मैंने उसको अच्छा बात बताने के लिए गया, ये गोपी गोपी बोलने से क्या होगा, अरे कृष्ण कृष्ण नाम लो, जो कृष्ण नाम लेने से जीव का कल्याण होगा उद्धार होगा, उसने तो मेरे को दंड लेकर के मारने के लिए दौड़ा है। वो हमें क्या समझता है, हम भी साधारण नहीं, हम भी उसको पिटाई करेंगे है, हम भी उसको पिटाई करेंगे, वो क्या समझता है, अभी गोसाई बन गया, एक साथ में हम स्कूल में पढ़े हैं पंडित एक साथ में पढ़े, अभी गोसाई बन गया, हम भी नहीं छोड़ेंगे। उल्टा पुल्टा महाप्रभु का नाम पर बोलने लग गए हैं। जब उल्टा पुल्टा नाम बोलने लग गए महाप्रभु इतने दुखी हो गए। महाप्रभु सोच रहे हैं, भगवान महाप्रभु के शब्द आकर के नित्यानंद प्रभु को बोले, वो शब्द है कहते करिल पिपली खंड कब निवारिते उलट या आर कब बाहरी लते थे। एक पिपली होता है ना है, उड़िया में क्या बोलते है पिपली है, इसलिए एक पिपली खंड होता है जिसको खाने से क्या होता है कहते जो कप नाश हो जाता है। लेकिन हमने ये कप को नाश करने के लिए मैंने इसको पिपली खंड खाया, लेकिन उल्टा क्या हुआ है, उलट या आर कब बाहरी लते, वो कब क्या दूर होगा, वो उल्टा होकर कब और ज्यादा हो गया है, और ज्यादा हो गया। कहते इसका तात्पर्य क्या है, श्रीमान महाप्रभु जाकर के श्री नित्यानंद प्रभु को इस बात को बता रहे हैं। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं नित्यानंद मैं जिस काम के लिए जगत में आया था, किस लिए आया था जगत में, जीव को उद्धार करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए इस जगत में मैं आया था है। लेकिन अभी लोगों का कल्याण क्या होगा, अभी तो लोगों का अमंगल होने हो गया, लोगों का अमंगल शुरू हो गया, क्योंकि मैं कौन हूँ, महाप्रभु कौन है, भगवान है, भगवान है। इसलिए जिसका नाम एक बार श्रवण करने से बा सांकेत्यम परिहासम बा स्तोभम हेलन नभे बा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अगहरम पितु। कहते भगवान का जो नाम चार तरह से जीव का कल्याण करता है, अगर संकेत संकेत पूर्वक अगर प्रभु का नाम लो है, परिहास्यम परिहास छलना में लो, गीत गाने है गाने जैसे इसी रूप में लो है, अगर किसी तरह से अगर प्रभु का नाम को ग्रहण करे तो कहते अशेष अगहरम विदु, जीव का अशेष अशेष जो पाप दूर हो जाता है। लेकिन अगर भगवान को द्वेष करे तो, अगर कोई व्यक्ति भगवान को द्वेष करे और सोचे हम भगवान को मारेंगे पर क्या होगा, वो तो घोर नरक में भी उनके स्थान नहीं मिलेगा, उसके लिए और एक नरक, उसके लिए और नया नरक बनेगा जो भगवान को मारने के लिए जाए। अभी महाप्रभु सोच रहे हैं कहां ये मैंने ये जीवों का कल्याण करने के लिए आया हूँ, लेकिन इनका कल्याण क्या होगा, अभी तो मेरे को मारने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, ये जीव का कल्याण कैसे होगा। इसलिए महाप्रभु कहते वहां पर गोपी गोपी बोल रहे थे हैं,
कहते एक बार हम लोगों ने पहले श्रवण किया महाप्रभु जो गोपी गोपी बोल रहे थे, एक बार सुना था कि नहीं। लेकिन यहाँ पर भी महाप्रभु गोपी गोपी बोल रहे हैं। कहते वहां पर जब गोपी गोपी बोल रहे थे, क्यों गोपी गोपी बोल रहे थे, कारण क्या है? कारण है जीव का जो जीवन का जो चरम प्राप्ति है, जीव का जो जीवन का चरम प्राप्ति क्या है, ये गोपियों की भाव। अगर जीवन में अगर गोपियों के भाव को अगर जीव प्राप्त कर सकता है, क्या समझो ये जीवन का चरम लक्ष्य जीव को प्राप्त हो गया। जिसके लिए ब्रह्मा भी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जल पर्वत बन करके स्वयं ब्रह्मा जी परेशान में ब्रह्मा जल पर्वत बने। क्या श्लोक महाराज जी, जो नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी को, जे पिताजी अब ये गोपी भाव को पाने के लिए इतना कठोर तपस्या क्यों किया है? क्या श्लोक है, जोर से। ये ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं, कहते मैंने 60,000 साल तक हैं, कहते ये गोपियों की भाव को प्राप्त करने के लिए मैंने कठोर तपस्या किया है। इसलिए शंकर जी बरसाना, जो बरसाना कौन है, स्वयं ब्रह्मा जी ये ब्रह्मा जल पर्वत रूप में तपस्या कर रहे हैं। शंकर जी किस रूप में प्राप्त कर, किस रूप में जन्म हुए, कहते जो नंदीश्वर जो महादेव है, हैं ये स्वयं शंकर जी। इसलिए वृंदावन में जब कृष्ण रास लीला, क्या शंकर जी गोपी मूर्ति लेकर के आए, गोपी रूप भी धारण कर लिया, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाए। लक्ष्मी बेलवन में अभी भी बिहार का मान सुचिर धृतवर्ता अभी भी तपस्या कर रहे हैं। नारद जी नारद कुंड में बैठ कर गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। और उद्धव जी गिरिराज की तलहटी में बैठ करके गोपियों के चरण की धूल पाने की तपस्या कर रहे हैं। इसलिए जीवन का जो चरम लक्ष्य है ये गोपियों की भाव अगर जीवन में प्राप्त हो। इसलिए बोले आराध्य भगवान ब्रज सस्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु मत विदम तत्राधरणा, ये महाप्रभु का यही है अवदान, यही महाप्रभु का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, गोपियों की अनुभूति में अगर भगवत सेवा जुगल सरकार की सेवा अगर मिल जाए, राधा कृष्ण प्राण और जुगल किशोर जीवन मरण गति हार नहीं, यही। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ जो गोपी गोपी बोल रहे थे, कारण क्या है, कारण यही है गोपी भाव ही जीव का चरम उद्देश्य है। और ये भाव को अगर कोई जीवन में प्राप्त कर ले तो समझ जीवन में उसमें सब कुछ मिल गया। इसलिए महाप्रभु गोपी गोपी भाव बोल रहे थे, लेकिन पढ़ुआ ने क्या बोल, गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो, कृष्ण कृष्ण बोलो ना, बोले कृष्ण काले का नाम कर रहे हो, जो काले ने हमारे को धोखे दिए है, बोले हम परसु आकर के परसु बीत गया, अभी उसका कोई नाम गंध नहीं, उस काला का नाम क्यों गंध, धूल तो कपट है, इसलिए उसका नाम को मत लो। इसलिए महाप्रभु को उस समय गोपी भाव में महाप्रभु डूबे हुए थे, राधा रानी की भाव में महाप्रभु डूबे हुए थे, लेकिन पड़ुआ का तो ये बात पता ही नहीं चला। हाँ, पड़ुआ को तो ये बात पता ही नहीं चला, इसलिए उसने है उसने महाप्रभु को क्रोधित किया। इसलिए यहाँ प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण दिया है, महाप्रभु यहाँ पर उदाहरण प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे श्री माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी की बहुत सारे शिष्य है, लेकिन अंतिम समय में कहते उनको जो सेवा कर रहे थे माधवेंद्रपुरी की ईश्वरपुरी उनकी सेवा करते थे, कहते उनको और ये भी एक भी शिष्य था, क्या शिष्य की याद है, रामचंद्रपुरी कहते उनका शिष्य है, लेकिन माधवेंद्रपुरी अंतिम समय में इसी गोपी भाव से ही है वो डूबे रहते थे, हे दीन दयाधर नाथ हे मथुरा नाथ, इसी है। इसलिए राधा रानी जैसे कृष्ण विरह में जैसे दिन रात जैसे तड़फड़ाए करती थी, उसी तरह माधवेंद्रपुरी भी रात दिन रात उसी भाव में डूबे रहते थे है। लेकिन उनको एक शिष्य था जिसका नाम था रामचंद्रपुरी, उनको और एक शिष्य था जो उनकी अंतिम समय में जो सेवा किया, कहते श्री ईश्वरपुरी पा, और एक शिष्य था जिसका नाम था श्री रामचंद्रपुरी।
लेकिन रामचंद्रपुरी अभी ईश्वरपुरी का जो भावना को समझ नहीं पाए, समझ नहीं पा करके बोले गुरुजी ये किसी शिष्य तो इनसे हुए लेकिन असत संग से, किसी मायावादी का संग से अभी उनका जो जो लगा वो ब्रह्मवादी को तरफ में, अभी इनकी भाव तो समझ नहीं। बोले गुरुजी ये क्या, क्यों कृष्ण कृष्ण, ये गोपी गोपी कृष्ण कृष्ण क्यों कह रहे हो? अरे बोलो ना, आम ब्रह्मास्मि है, तत्त्वमसि सर्वं कलिदं ब्रह्म है, इसलिए अब ये इसमें क्या बोल रहे हो, गोपी गोपी राधे राधे क्यों बोल रहे हो? इसलिए क्या बोलो, आम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि बोलो। जब ये बात को माधवेंद्रपुरी सुने ना, इतने उनको क्रोध आए, बोले दुष्ट को निकाल दो यहाँ से, ये दुष्ट को यहाँ से निकाल दो। इसलिए कहते इस श्री माधवेंद्रपुरी की कृपा किसको ऊपर हुई, कहते श्री ईश्वरपुरी को ऊपर हुई, क्योंकि उन्होंने अंतिम समय में सारे सेवा उन्होंने गुरु जी की, सारे सेवा गुरु जी को उन्होंने किया, अपना हाथों से मल मूत्र को है साफ करना, उनके सारे कपड़ा लता धोना, सब कुछ उन्होंने जीवन में सेवा की और उनके भाव के अनुरूप श्लोकों को पढ़ना, इसलिए उन्होंने सारे प्रेम किसको देख रहे गए, श्री ईश्वरपुरी को देख रहे गए है। रामचंद्रपुरी बड़ा निंदुक बना है, ये उन्होंने बड़ा निंदुक बना। कहते उसी तरह कहते महाप्रभु अभी सोच रहे हैं, अब ये घर हमें त्याग देना पड़ेगा, अब मेरे को संन्यास लेना पड़ेगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु को बोले, बोले नित्यानंद तुमको तो पता है मैं किस लिए जगत में आया हूँ, लेकिन अभी जिस काम के लिए आया हूँ अभी वो काम हो ही नहीं रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं संन्यास ग्रहण करूँ। संन्यास ग्रहण करके जब संन्यास में ग्रहण करूंगा, जब घर भर घर में मैं जब भिक्षा मांगने जाऊंगा, उसी समय में लोग क्या करते हैं, संन्यास धर्म ऐसे धर्म है, अगर बेटा भी अगर संन्यास लेता है ना, पिता बेटे को प्रणाम करता है। इसलिए बोले संन्यास देखिए आजीवा नान हुआ मुंड तार मुंड पड़ गया नर कर कुंड। इसका मतलब अगर संन्यास को देख करके कोई अगर उनको प्रणाम नहीं करता है, इसका जो मुंड है वो जाकर गिरता है नरक का कुंड। इसलिए शास्त्र ने बताया अगर किसी सन्यासी कथा का प्रणाम नहीं किया, उदाहरण दिया है जैसे कोई बड़ा पुलिस अफिसर आया, अगर जो साधारण पुलिस उसको सैल्यूट नहीं दिया ना, नौकरी जाएगी उसकी, उसका नौकरी चली जाएगी। उसी तरह अगर सन्यासी को कोई देखे अगर कोई प्रणाम नहीं करे ना, नौकरी चली जाएगी। शास्त्र ने बताया उसको 3 दिन तक उपवास रहनी चाहिए, 3 दिन तक उपवास रहकर सवस्त्र में उसको गंगा में स्नान करनी चाहिए। इसलिए ये महाप्रभु सोच रहे हैं जब मैं सन्यास ग्रहण करूंगा, सन्यास ग्रहण करके मैं दरवाजा दरवाजा पर मैं जब जाऊंगा, लोग क्या करेंगे, सन्यास मेरे को मान करके हैं, मेरे को सन्यास मान करके सबके सब लोग मेरे को प्रणाम करेंगे, मेरे को जो प्रणाम करेंगे सन्यास मान करके, मैं कौन हूँ, महाप्रभु कौन है, ये स्वयं है जद अद्वैत ब्रह्म उपनिषदि तत्पश्चात तनुभा, जब आत्म अंतर्यामी पुरुष स्वसंसा विभव। इसलिए कहते हैं ये जो चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं भगवान, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, कृष्ण वर्णम दिशा अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम जगै संकीर्तन प्राय सजती सुमेधस। महाप्रभु भगवान, जब महाप्रभु का जो भगवान ये है, प्रणाम करेंगे सन्यासी मान करके, कहते भगवान को प्रणाम करने का क्या फल है, बोले सकृत प्रणाम कृष्णस्य मातुस्तन विवदने। एक बार अगर किसने भगवान को प्रणाम कर लिया, कहते उसको माँ की पेट में दोबारा प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, कभी मैया का दूध उसको पीना नहीं पड़ेगा, एक बार किसी ने अगर भगवान को प्रणाम कर लिया। इसलिए कृष्ण प्रणाम है न पुनर्भवाय, भगवान को प्रणाम करने से ये भवसागर में जीव का आना नहीं पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, जब मैं सन्यास लूंगा, सन्यास लेकर घर घर में जाऊंगा, सबको मैं भिक्षा मांगूंगा, और जब कोई भिक्षा किसी घर में मांगने के लिए आते हैं, हैं? साधु सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, अगर किसको भिक्षा भी दो उसको भी कल्याण है, और जो भिक्षा मांगने वाले उसको फिर कोई अत्याचार नहीं करते। इसलिए हे नित्यानंद तुमको पता है मैं किस लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ सन्यास लेना। नित्यानंद प्रभु बोले प्रभु आप तो जगत का कारण हो, आप तो स्वतंत्र इच्छामय हो, आपको कौन रोक सकता है, इसलिए आप सन्यासी ग्रहण कर सकते हो। लेकिन नित्यानंद प्रभु उन्होंने
तो बोल दिए, आदेश तो दिए, लेकिन जब उन्होंने सच्ची माँ का याद किए ना, सच्ची मैया का क्या अवस्था हुआ? क्योंकि हाँ देखो, यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा दिया है, बहुत बड़ी शिक्षा दिया। मतलब जीवन में संन्यास धर्म से बड़ा जगत में कुछ है ही नहीं, क्योंकि कारण बताए महाप्रभु कौन सा अवस्था में संन्यास लिया है। कोई कहते हैं ना, हमारे घर में पिता माता है, भाई बंधु परिवार, हम कैसे छोड़ करके संन्यास लेंगे? यहाँ पर सिखा दिए महाप्रभु का बड़ा भाई विश्वरूप, दो भाई थे, पहले विश्वरूप संन्यास ले चुके ऑलरेडी, बड़े भाई संन्यास लेकर चले गए। उसके बाद में पिताजी जो जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने भी, उनका भी वो भी अपना धाम में चले गए हैं, वो भी शरीर छोड़ चुके हैं। अभी घर में कौन है? अभी अभी महाप्रभु विष्णु प्रिया को शादी की, 16-17 साल की विष्णु प्रिया घर में, और बूढ़ी माँ घर में, एकदम सच्ची माँ, एकदम बूढ़ी। अब पहले क्या नियम था, घर से माताएं कभी घर से बाहर निकलते नहीं, कोई बाहर निकलते थे पहले पत्नियां, कोई घर से कोई नहीं निकलते थे घर से। कल पहले स्त्रियां ऐसे होती थी जिनका चंद्र सूर्य तक भी, जिन स्त्रियों के कभी मुंह नहीं देख पाती थी, सवेरे सवेरे जाकर गंगा में स्नान करना और घर में आन रहना और घर का सारे काम काज करना है। महाप्रभु ये अवस्था, पहले बड़े भाई चले गए, पिता भी चले गए पहले, घर में केवल एक बूढ़ी मैया और स्त्री 16-17 साल की, कौन है? विष्णु प्रिया। महाप्रभु इसी अवस्था में घर त्याग देते हैं, इसी अवस्था में घर को त्याग दे करके महाप्रभु, इसलिए जिस घाट को पार हुआ उसका नाम निर्दय घाट पड़ा। क्यों? महाप्रभु निर्दय हो करके उनने कैसे गंगा को पार करते हुए काटुआ में गए, और महाप्रभु कैसे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, हैं? संन्यास ग्रहण किया है। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते, जितने भी जगत में हमारी बहुत सारे कर्तव्य है, पिता माता भाई बंधु सबका प्रति हमारे कर्तव्य है, लेकिन जीवन का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, इसको प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य है भगवान की भक्ति में, सबसे बड़ा कर्तव्य। इसलिए कृष्ण बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य वक्षयामि माम सुश्री। भगवान इतने बड़े प्रतिज्ञा बोले, सारे धर्म को छोड़ कर केवल मेरे शरण में आ जाओ, सारे पाप को से मैं मुक्त करूंगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। महाप्रभु इसी अवस्था में त्याग दिया। मतलब जगत में जितने भी हमारी बहुत कर्तव्य है, लेकिन जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है संन्यास है। संसार में क्यों भटक रहे हैं? भगवान को बिछोड़ने का वजह से भटक रहे हैं ना, इसलिए भटक रहे हैं संसार में, ये दुख कष्ट की खोज कर रहे हैं, केवल भगवान को भक्ति छोड़ने का वजह से तभी तो भटक रहे हैं, हैं? इसलिए बोलते, जब कोई भगवान की भक्ति करने आ जाए, उसको पीछे गुरु जी कहते थे 36 करोड़ कर्म कांड ब्राह्मण, 36 करोड़ कितने 36 करोड़ कर्म कांड ब्राह्मण को भगवान ने नियुक्त करके रखे। बोले जो व्यक्ति सब छोड़ करके मेरे शरण में आएगा, उससे जो पीछे जो काम रह जाएगा, ये काम तुम लोग को करना, ये काम को पीछे काम को तुम लोगों को करना। इसलिए बोले देवर्षि भूताप तनिनाम मित्रिनाम नाय मणिच राजन, इसलिए जगत में आने पर 5 तरह का ऋणी से मुक्त होना पड़ेगा, पिता माता का ऋणी, परिवार का ऋणी, भाई का ऋणी, माँ का ऋणी, देव ऋणी, रिश्ते ऋणी, सबका ऋणी चुकाना चाहिए, सब ऋणी चुकाना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाते हैं, उनका सारे ऋणी अपने आप मुक्त हो जाता है, सारे ऋणी से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु अभी सोच रहे हैं, अभी सच्ची मैया का अवस्था क्या होगा, विष्णु प्रिया की अवस्था क्या होगी, क्योंकि इनको देखने वाले और कोई है नहीं। इसलिए उनकी बात को याद करते हुए नित्यानंद प्रभु बड़े दुखी हुए। उसके बाद में महाप्रभु हैं कहते, फिर उन्होंने श्री कुछ विशेष 5 भक्तों को उन्होंने ये सब बात उन्होंने बताए, हैं? सबको ये बात नहीं बताए, महाप्रभु संन्यास ग्रहण करेंगे। इसलिए फिर गतकल्ले हम लोग की कथा श्रवण करेंगे, महाप्रभु किसको किसको बताए संन्यास लेने के लिए, और महाप्रभु ने कैसे संन्यास लिए, और संन्यास लेकर कैसे गए, और महाप्रभु किस लिए संन्यास ग्रहण किया, ये संन्यास का क्या रहस्य है,
रामुल इसको कल सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर ब्रह्मानंद। अच्छा कृपा सिंधु नाम पापा।